नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। अब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विभाजनकारी एजेंडा कुछ निहित स्वार्थों के इशारे पे चलाया जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की टिप्पणियों के बारे में। कुवैत के एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर भारतीय उत्पादों के खिलाफ लगाए गए नोटिस का एक सो कॉल्ड वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। इसमें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की टिप्पणियों पे नाराजगी व्यक्त की जा रही है और उस पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। हालांकि अब ये सब भुलाया जा चुका है कि कुवैत वही देश है जिसने हिंदू देवी देवताओं के नग्न पेंटिंग्स पर एमएफ हुसैन को अपने देश की नागरिकता दी थी। भारत के सेंटीमेंट्स तब भी हट हुए थे, तब कोई कुछ ऐसा नहीं बोला था, तब भारत में ऐसी कोई वीडियो नहीं बनी थी, लेकिन वीडियो से इतना साफ हो गया कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार की टिप्पणियों ने जहां भारत विरोधी तत्वों को बैठे बिठाए ये मौका दे दिया है, वहीं भारत के लिए कूटनीतिक मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार और खास तौर पर विदेश मंत्रालय का अमला अब ताबड़तोड़ नुकसान की भरपाई और रिश्तों की रिपेयरिंग में जुट गया है। इस बात का खतरा भी दिखाई दे रहा है कि दो छोटे नेताओं की टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों की मिठास बढ़ाने की बीते 8 साल की मेहनत पे पानी फेर रही है, कड़वाहट घोल सकती है। इससे न केवल खाड़ी देशों में रहने वाली भारतीय आबादी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बल्कि भारतीय उत्पाद के लिए खाड़ी के बाजार और इस्लामिक देशों के निवेश का रास्ता भी बाधित हो सकता है। ये किसी से छिपा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम खाड़ी क्षेत्र के इस्लामिक देशों के साथ संबंधों की बेहतरी पर खास ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई दौरे भी किए और राजनीतिक साझेदारी के कई समझौते भी किए। इसके चलते सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। वहीं बहरीन, यूएई समेत कई मुल्कों में भारतीयों के हिंदू संगठनों को मंदिर निर्माण के लिए जमीनें देने के साथ ही आपसी कारोबार बढ़ाने के भी कई अहम समझौते हुए हैं। बीते 4 सालों में ही भारत और खाड़ी के क्षेत्र के देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ा है, इसमें इजाफा दर्ज किया गया है। और अगर आंकड़ों की बात करूं तो बीते 8 सालों में खाड़ी के देशों में भारत से निवेश भी बढ़ा है। यूएई जैसे देश तो कश्मीर में औद्योगिक निवेश के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल भेज चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत खाड़ी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार का अपना दायरा भी बढ़ा रहा है। सवाल केवल भारत के पश्चिम में मौजूद खाड़ी और मध्य एशिया के इस्लामिक देशों का नहीं है। भारत के पूर्वी पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व में मौजूद बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ रिश्तों में भी बयान जो है इन दोनों नेताओं का परेशानी बढ़ा सकता है। बांग्लादेश में कट्टरवादी संगठन पहले से ही शेख हसीना सरकार के भारत के साथ अच्छे रिश्तों की नीति से बौखलाए हुए हैं। वहीं मलेशिया जैसे देश पहले ही भारत से जाकिर नाइक जैसे लोगों को पनाह दे चुका है। बहरहाल ये किसी से छिपा नहीं है कि इस्लामिक देशों के लिए पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई बेअदबी की कोई भी टिप्पणी ऐसी रेड लाइन है जिस पर पैर रखे जाने के बाद प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है, बहुत ही बट नेचुरल है। सो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी में नुपुर शर्मा या नवीन कुमार का कोई कद भले ही बड़ा ना हो, लेकिन उनके बयान से एक भूकंप सा आया हुआ है। कुवैत, कतर, ईरान समेत कई देशों में भारतीय राजनयिकों को बुला करके औपचारिक तौर पर नाराजगी दर्ज कराई गई है। पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के मजबूत लॉबी वाले इस्लामिक देशों के संगठन OIC के सचिवालय ने तो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ
सत्तारूढ़ पार्टी नेताओं की टिप्पणी का हवाला देते हुए भारत में मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने की कोशिशों का नाम देने का प्रयास किया है। उनको कानपुर में जो कुछ हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, दुनिया के 57 इस्लामिक देशों के इस संगठन के हिजाब विवाद से लेकर के अन्य मामलों का उल्लेख करते हुए भारत में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है, ऐसा उन्होंने अपनी चिंता को जताया है। अब यार उनको मौका मिल गया है तो जाहिर है कि इस तरह के बयानों पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया भी आनी थी। भारत ने इस मामले में अपनी जो स्थिति थी वो स्पष्ट कर दी और साथ साथ जवाबी वार भी किया। नूपुर शर्मा मामले पर आई इस्लामिक देशों के संगठन OIC की टिप्पणियों को विदेश मंत्रालय ने गैर जरूरी और छोटी सोच का बताया। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह स्पष्ट किया कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। एक धार्मिक व्यक्तित्व के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट और टिप्पणियां कुछ लोगों ने की हैं, यह किसी भी रूप में भारत सरकार का नजरिया नहीं है, उसका ये माइंडसेट नहीं है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ संबंधित संस्थाओं ने सख्त कार्रवाई की है, जैसा कि सबको पता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि OIC ने इसके बावजूद भ्रामक, प्रेरित और गलत टिप्पणी दी। ये साफ बताता है कि इसके माध्यम से एक विभाजनकारी एजेंडा कुछ निहित स्वार्थों के इशारे पर चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने आग्रह किया कि IOC सचिवालय सांप्रदायिक सोच के ऊपर अपना विराम लगाए और सभी धर्मों के प्रति सम्मान दर्शाए। हालांकि भारत के स्पष्टीकरण के बावजूद पाकिस्तान इस मुद्दे को उछालने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। पाक विदेश मंत्रालय ने इस मामले के बहाने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के इंजन में थोड़ा सा और कोयला डाल दिया है और गर्माहट दे दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ही नहीं सत्ता से विपक्ष में पहुंचे इमरान खान जैसे नेताओं को भी इस बहाने बयानबाजी का मौका मिल गया है। भारत ने पाक की तरफ से आए बयानों का तीखा पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि अपने घर में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा करने वाला देश अगर दूसरों पर टीका टिप्पणी करता है तो ये किसी के लिए कोई खास अहमियत नहीं रखता। मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ये भी साफ किया कि पाकिस्तान ने किस तरह हिंदू, सिख, ईसाई और अहमदीदियों को निशाना बनाया और उन पर अपना बुरा व्यवहार किया, ये पूरी दुनिया जानती है। भारत में सभी धर्मों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, पाकिस्तान की तरह नहीं, जहाँ धार्मिक उन्माद फैलाने वाले कट्टरपंथियों को सम्मानित किया जाता हो। ऐसा भारत में नहीं होता, भारत में उनको नायक नहीं बनाया जाता। ऐसे में सख्त कार्रवाई का संदेश देने के साथ ही सरकार की कोशिशें इस पूरी स्थिति को साधने की है ताकि इसके बहाने भारत विरोधी लॉबी को आर्थिक और रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका न मिल जाए। साथ ही इस घटनाक्रम ने यह भी बता दिया, ये भी जता दिया कि घरेलू सियासत को चमकाने के लिए दिए गए जो स्थानीय सियासी बयान होते हैं वो भारत का जो कद लगातार बढ़ रहा है उसके चलते ग्लोबली उसके लिए चुनौती भी बन सकते हैं। ऐसे में नेताओं को जिम्मेदारी और जवाबदेही का जो है पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देशों की बात छोड़िए, हम आप ही अपने आप को नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे की गलती निकालते हैं और यही हाल हो रहा है इस्लामिक कंट्रीज का। वो अब इस चीज़ का मुद्दा बना रहे हैं, वो उनको एक टूल मिल गया है अटैक करने के लिए। और भारत में जो भी बयानबाजी को लेकर के एक तनाव सा उपजा है उसके ऊपर जाहिर सी बात है कार्रवाई कर दी गई है और सब चीज़ों का ध्यान भी रखा जा रहा है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। ऐसे में इसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी भी धर्म के ऊपर अगर कोई
गलत टिप्पणी करे तो उसको लायक बनाया जाए। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा मुझे अपनी राय आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है, ये हमारे देश से जुड़ा हुआ सवाल है, हमारे देश के सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है। आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।